So yesterday we had done transformation experiment. उसका biochemical nature transformation experiment का पता किसने किया? एवरी मैकार्थी एंड मैकलियोर. अब एक और एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट. और इसको और क्या बोलते हैं? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है जी. ट्रांसडक्शन, पहली बात तो क्या होती है ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. थ्रू वायरसेस, वायरसेस और यू कैन से बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस. ठीक है. इट प्रोवाइड हम इसको क्या बोल देते हैं? दैट इज अनइक्विवोकल. अनइक्विवोकल मतलब कोई भेदभाव नहीं, सबने एक आवाज में कहा, है ना. इट प्रोवाइड अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल. कैसे, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या थी, रॉ मटेरियल्स क्या यूज किए? टी टू बैक्टीरियोफेज, ये नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक नाम है टी टू. ऐसे बहुत सारे हैं, लैम्डा फेज, ठीक है, टी टू बैक्टीरियोफेज, टी फोर बैक्टीरियोफेज, इस तरह से करके बहुत सारे. अनदर इज इकोलाई. जनरली ये बैक्टीरिया जो है फाउंड इन गट ऑफ ह्यूमंस. जनरली तो ये गट में मिलता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, बट दूसरी बात है ऑल्सो कैन ऑल्सो, हम बात करेंगे, कैन ऑल्सो बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडियम. आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम जो हम लैब में तैयार करते हैं, इन लैब्स. न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम स्टरलाइज्ड वाटर में न्यूट्रिएंट्स डाल के जो मीडियम तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर मीडियम. उससे भी हम इस बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. देन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले तो हमने बैक्टीरिया को तैयार करना है, और उसके बाद हमने जो है वो वायरस को उसमें इन्फेक्ट करवाना है. सबसे पहले क्या है, दैट इज
प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड बैक्टीरिया. ये कैसे किया, प्रिपरेशन कैसे की? इकोलाई वन बैच ऑफ इकोलाई ग्रोन इन मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर. एस मतलब सल्फर. उस मीडियम में ग्रो करवाया हमने इकोलाई को जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर थी. ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर अब क्या हुई, इकोलाई के अंदर गई, अंदर तो गई बट वहां पे वो कहाँ पे इंटीग्रेट हुई? आपको पता है देयर आर प्रेजेंट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने नीचे लिखना है, मैं थोड़ा सा ऊपर. सो इकोलाई या लेबल्ड इकोलाई हैज रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स जो उसके बाद इकोलाई बने, डिवाइड करके जो ग्रो हुए तो उस कल्चर में इकोलाई जो थे उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे. दूसरा सेट हमने क्या किया कि अनदर बैच ऑफ इकोलाई ग्रोन इन मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. ठीक है, जो ये बैक्टीरियोफेज है इट इज ए डीएनए वायरस. ठीक है, तो इसमें यहां पे ये जो इकोलाई है इट हैज लेबल्ड इकोलाई हैज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या था कि जो इकोलाई के दो बैचेस बनाए, एक में रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स है एक में रेडियो एक्टिव डीएनए. सबसे पहला स्टेप तो ये रहा. ठीक है, पहले ये लिखो फिर हम आगे चलते हैं. तो हमने ये बैक्टीरिया क्या है, ये वायरसेस का मीडियम है जिसमें ग्रो करना है, क्योंकि आपको पता है वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन कल्चर मीडियम. इन पे नहीं, नॉन लिविंग मीडियम पे नहीं ग्रो करते वायरसेस. वायरसेस हमेशा लिविंग होस्ट में जाते हैं. तो ये बैक्टीरिया क्या है, उनके लिए एक मीडियम है जिस पे उन्होंने ग्रो करना है ना. तो अब सेकेंड स्टेप है कि वायरसेस दैट इज, या हम कहेंगे टी टू बैक्टीरियोफेज इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स बट विच इज द जेनेटिक मटीरियल जो वायरसेस का क्या फंक्शन है, रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है ये नहीं पता. जेनेटिक मटीरियल इज नॉट नोन कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है,
ये नहीं पता। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है वायरसेस में? विच कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन इन वायरसेस इज नॉट नोन, मीन्स बट विच आप लिख सकते हो थोड़ा सा और क्लैरिटी में, आउट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स इज द जेनेटिक मटीरियल इज नॉट। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, द मीडियम ऑन विच वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेजेस की, आप वायरसेस ना लिख के बैक्टीरियोफेजेस, ऑन विच बैक्टीरियोफेजेस रिप्रोड्यूस आर बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया ओनली एज वायरसेस कैन नॉट ग्रो ऑन नॉन लिविंग कल्चर मीडियम। जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम है वो नॉन लिविंग है, उस पे वायरसेस ग्रो नहीं करते, बैक्टीरियोफेजेस नहीं, कोई भी वायरसेस ग्रो नहीं करते, राइट? व्हेन बैक्टीरियोफेजेस, मैंने ये लिख दिया बीपी लिख दिया, बट बीपी ब्लड प्रेशर नहीं लिख देना है यहाँ पे, बीपी इज बैक्टीरियोफेजेस आपने पूरा लिखना है। व्हेन बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया ओनली देयर जेनेटिक मटेरियल, हमें नहीं पता जेनेटिक मटेरियल क्या है, बट ये पता है कि ओनली देयर जेनेटिक मटेरियल एंटर्स इन होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल या बैक्टीरिया take the genetic material of bacteriophages as its own, उसको लगता है मेरा ही है ये, and helps या causes its replication। तो हम क्या कहते हैं कि दस बैक्टीरियोफेजेस मल्टीप्लाई इन बैक्टीरिया बाय यूजिंग, बहुत स्मार्ट है ये, बाय यूजिंग होस्ट मशीन। क्योंकि वायरसेस के पास अपना तो कुछ भी नहीं है, अपने तो उसके पास एंजाइम्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ उसके पास एक डीएनए है और एक प्रोटीन है, ठीक है, बाकी कोई एंजाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक के पास इंफॉर्मेशन है कि रिप्रोड्यूस कैसे किया जाए और दूसरा उसकी प्रोटेक्शन करता है, राइट? तो ये जो है जेनेटिक मटीरियल अंदर जाता है और होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी यूज करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है नाउ स्टेप्स, थ्री स्टेप्स है इन्फेक्शन, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, दूसरा है ब्लेंडिंग और
तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले मैं आपको वैसे बता देती हूं कि इन्फेक्शन में क्या है, द बैक्टीरियोफेजेस दे आर अलाउड टू, हमने क्या किया बैक्टीरिया, हमने तो क्या हर्षी एंड चेज ने क्या किया बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस को मिक्स कर दिया, सो दैट बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। ड्यूरिंग इन्फेक्शन इट इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस विच एंटर्स इन द ईकोलाई। ठीक है जी, तो जो उसका कोट होगा, जो उसकी बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, वो बैक्टीरिया के बाहर रह जाएगी और वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ, वायरसेस के दो पार्ट्स है, कोर एंड कोट, कोर जो बीच में है और कोट जो बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। बाहर की प्रोटेक्टिव जो कोर है वो जेनेटिक मटेरियल है और बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बैक्टीरिया के बाहर ही रह जाती है, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का या बैक्टीरियोफेजेस का वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ब्लेंडिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडिंग, जो कल्चर मीडियम था जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे और साथ में वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस को मिक्स कर दिया था इन्फेक्शन के बाद, उसको ब्लेंडर से एजिटेट किया। कुछ नहीं, ब्लेंडर जो हम किचन में यूज करते हैं ऐसे लैब ब्लेंडर्स होते हैं, उसको उसमें तेजी से घुमाया ताकि क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है और उसके बाहर जो वायरसेस के कोट है वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाए, बैक्टीरिया अलग हो जाए और उसके सरफेस पे जो वायरल कोट है वो अलग हो जाए। अब बैक्टीरिया हैवी है और जो वायरल कोट है वो हल्का है, ठीक है। उसके बाद की सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अब बहुत ही कॉमन तरीका है, जैसे हम मक्खन निकालते हैं, मलाई में से मक्खन निकालते हैं ना, तो जो हैवी हैवी है मक्खन वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी सा आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने बैक्टीरियल कल्चर को, जो कल्चर मीडियम था उसको हमने सेंट्रीफ्यूज, हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें हम छोटे छोटे बीकर्स रख दो या छोटे छोटे ट्यूब्स रख दो जिसमें बैक्टीरिया विद मीडियम हमने डाला और उसको बहुत तेज स्पीड से घुमाया ताकि जो हैवियर बैक्टीरिया थे वो नीचे बैठ गए, जो लाइटर मीडियम था और उसमें वायरस का कोट था वो ऊपर आ गया। और उसके बाद हमने एनालिसिस की, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ये नोट कर। इन्फेक्शन का राइट, तो इसमें लिखिए फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। अब आप ये देखो, देयर आर टू मीडियम्स, और बैक्टीरियोफेजेस कौन से मीडियम्स है, रेडियोएक्टिव सल्फर लेबल्ड इकोलाई, और ब्रैकेट में लिख लेना रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स है, यहां RA मतलब रेडियो एक्टिव। फिर है दूसरा मीडियम है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड इकोलाई, जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है, चाहे वो RNA के है चाहे वो DNA के, ठीक है। Bacteriophages are allowed to infect both types of E. coli. ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस यूजेस होस्ट रॉ मटेरियल एंड होस्ट मशीनरी
फॉर देयर रिप्रोडक्शन। और यहां पे क्या याद रखना है, ओनली जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस एंटर्स ईकोलाई। इट्स प्रोटेक्टिव कोट रिमेन आउटसाइड ईकोलाई। ये फर्स्ट स्टेप था इन्फेक्शन का, ठीक है। तो अगर हम क्या दिखाएं कि ये बैक्टीरियल सेल है, राइट। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो अंदर चला गया, दिस इज बैक्टीरिया विद रेडियो एक्टिव सल्फर। और यहां पे ये है बैक्टीरिया विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। अब जो यहां पे देखो अंदर क्या हुए, अंदर वायरसेस रिप्रोड्यूस हुए। अब ध्यान से यहां पे देखो, न्यू वायरसेस विल हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। यहां पे जो नए वायरसेस बने उनमें क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। और दूसरा यहां पे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस्ड विल हैव रेडियो एक्टिव डीएनए। इज इट ओके, ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस एवरीबॉडी, हां जी, किसी को यहां तक डाउट है? मैम अपने ऊपर वायरस बनाया है ना, ये वायरस है, हाँ ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है। अब इसके बाद इसी का इन्फेक्शन का ही सेकेंड स्टेप है, ध्यान से देखो ना, द रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस विद, या सुन आप लिखो बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव DNA now infects fresh E. coli,
एंड लाइकवाइज बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स इन्फेक्ट फ्रेश इकोलाई. अब फ्रेश इकोलाई मीन्स नॉन लेबल्ड, राइट. अब बैक्टीरियोफेजेस लेबल्ड है, राइट. अब इसमें इकोलाई, अब नए इकोलाई में ये इन्फेक्ट कर दिए गए. पहले ये लिखो फिर मैं आगे बताती. सेकेंड आ जाता है बेटा ब्लेंडिंग. इन्फेक्शन ऑफ इकोलाई बाय लेबल्ड वायरसेस. Is succeeded by, succeeded मतलब followed by, succeeded by agitation with blender. ठीक है, reproduction का time नहीं दिया, बहुत सारे viruses अंदर चले गए. ठीक है, bacteria के अंदर चले गए. इससे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ वायरसेस. फ्रॉम ईच अदर ये एक दूसरे से अलग हो गए. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन. Blended medium is rotated at high speed in a centrifuge machine. इससे क्या हुआ है, हैवी बैक्टीरिया सेटल्ड एज प्रेसिपिटेट, लाइट मीडियम विद bacteriophage coats forms supernatant. मैं अभी डायग्राम भी दिखाती हूँ आपको, बट ये हो गया. ठीक है, मैं ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे this is precipitate PPT and this is सुपर नेटेड. इज इट ओके, ये नीचे वाला मैं रब कर दूं, और फिर क्या हुआ बेटा, ये तीन स्टेप्स हो गए. देन analysis of PPT and supernatant.
बैच वन में क्या था? बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। इसमें क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन सुपरनेटेंट। बैच टू बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव डीएनए। यहां पे है रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन, आपने क्या लिखना है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन प्रेसिपिटेट हैविंग बैक्टीरिया। तो व्हाट डज दिस शो? दिस शोज दैट इट इज द डीएनए व्हिच एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरिया। इट इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेजेस दैट एंटर्स, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव मिट्टी मिली है, इसका मतलब डीएनए जो वायरसेस का था वो बैक्टीरिया के अंदर गया। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेड में मिली है, इसका मतलब जो प्रोटीन्स थे उन्होंने डीएनए की कवरिंग बनाई जो सुपरनेटेंट में ही रहे। ठीक है, दिस प्रूव्स अनइक्विवोकली, एक आवाज में सबने ये प्रूव किया, ये माना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन्स। ठीक है, अब लिखो ये। सबसे पहले तो बेटा ये कल्चर मीडियम था, विद रेडियो एक्टिव सल्फर। कल्चर मीडियम विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इसके ऊपर बैक्टीरिया इकोलाई इसने ग्रो किया। लाइकवाइज हियर आल्सो अब ये जो इकोलाई बना इसमें क्या थे? रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे। दिस इज प्रोटीन्स, ये है इकोलाई विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। ये जो इकोलाई बना यहां पे न्यूक्लियोइड
रेडियो एक्टिव हो गया, देन आरएनए रेडियो एक्टिव हो गया, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स. सो दिस इज रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव आरएनए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स. अब इसमें ये वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस इसने इन्फेक्ट किया. दिस इज बैक्टीरियोफेज P2. इसका न्यूक्लिक एसिड इधर किया, इसने आगे रेप्लिकेट किया, फिर इसने प्रोटीन कोट बनाया या कोई भी प्रोटेक्टिव कोट बनाया, बट यहां पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे. ये बाहर आ गया. ये हमें अब पता चला है कि प्रोटीन कोट है और ये डीएनए. ठीक है जी. इसी तरह से यहां पे भी बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया. इस डीएनए ने जब रेप्लिकेट किया तो न्यूक्लियोटाइड्स कहां से लिए? होस्ट से लिए. बहुत सारे पूरा वायरस पार्टिकल बनाया और इसमें से बाहर आ गया. तो अब ये राइट, ये कैसा बना? दीज आर स्पोक्स, दिस इज प्रोटेक्टिव कोट, दिस इज जेनेटिक मटीरियल, दिस इज कोट, दिस इज जेनेटिक मटीरियल. ये स्पोक्स हम इसको बोलते. इसी तरह से ये भी ठीक है जी. अब इसने दोबारा से इस वाले बैक्टीरियोफेज ने नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया. ठीक है, पहले ये बनाओ फिर मैं आगे दिखाती हूं. फर्स्ट ड्रॉ दिस. है ना, अभी तक हमें जेनेटिक मटेरियल का पता नहीं था, इसलिए इसको लिखो प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और ये अंदर वाला नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए. ये देखिए, ये बन गया है. दिस इज फर्स्ट. यहां पे एक मिनट,
Can everybody see it? Yes or no? बोला करो बेटा. Yes, ma'am. तो ये यही वाला व्यक्ति, ये बैक्टीरियोफेज है, that is with radioactive protein and normal DNA, and this is जो second वाला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे with radioactive phosphorus and sorry, हाँ radioactive phosphorus में क्या है, labeled DNA, is it right or not? और उसके बाद क्या हुआ, normal viruses को, normal E. coli को infect किया, ठीक है, फिर ब्लेंडिंग की और सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है, ठीक है, तो जल्दी से ये बना लो फटाफट से. ठीक है, यहाँ पे वायरसेस की मेन बात हो रही है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स नहीं, बट कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे टीएमवी जिसमें डीएनए होता नहीं, आरएनए है, जैसे टीएमवी, अनदर इज क्यूबी बैक्टीरियोफेज, दीज आर आरएनए वायरसेस, और भी कई है, राइट. अब हम ये देखें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताती हूँ कि सबसे पहले है रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट कर सके अपने आप को. तो डीएनए तो आपको पता है कि अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अब पता है, बट आरएनए भी डुप्लीकेशन की एबिलिटी है, जैसे टीएमवी में, बैक्टीरियो क्यूबी बैक्टीरियोफेज में, इसमें आरएनए आरएनए बना सकता है, ठीक है. बट प्रोटीन्स कहीं भी नहीं देखा गया, किसी सेल में, किसी में भी नहीं देखा गया कि प्रोटीन्स प्रोटीन्स बना सके, ऐसा नहीं है. इसलिए पहले स्टेप पे कि रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, यहां से प्रोटीन्स का पत्ता तो कट गया कि प्रोटीन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते. दूसरा है स्टेबिलिटी, डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड इज मोर स्टेबल देन आरएनए, विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड. सेकेंड पॉइंट, इन आरएनए राइबोस शुगर has highly reactive two prime hydroxyl. अब ये अगर आपको याद हो, beta ribose This is beta ribose और ये है टू प्राइम hydroxyl. डीएनए में क्या नहीं है ये? डीएनए में शुगर तो है, बट वहां पे सेकेंड पोजिशन पे ये एच है, तभी है डी ऑक्सी राइबोस. जो है हाईली रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कहां से होगी, ठीक है. और तीसरा है यूरेसिल इज हाईली रिएक्टिव देन थायमिन. देयरफॉर DNA is less reactive and more stable. और दूसरा, जब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था वहां पे क्या देखा गया कि क्या था, क्या मर गया था, बैक्टीरिया मर गया था जब उसको हीट किया था, ऐसे स्ट्रेन को जब हीट किया था तो बैक्टीरिया मर गया था, बट उसका DNA मरने के बाद भी स्टेबल था, अलाइव था, ठीक है. तो फर्दर
इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन या हम कह देते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, द डीएनए रिमेन्स एक्टिव इवन व्हेन बैक्टीरिया इज हीट किंग. तो इससे पता चलता है डीएनए जो है वो बहुत रिएक्टिव है. और तीसरा आ जाता है बच्चे म्यूटेशन, जेनेटिक मटेरियल हैज द एबिलिटी टू म्यूटेट. एंड यू नो जैसे आजकल हम कोविड वाला भी देख रहे हैं, आरएनए वायरसेस या आरएनए म्यूटेट्स इजीली देन डीएनए. दैट इज व्हाई आरएनए वायरसेस इतनी सारी स्ट्रेन्स आ गई है म्यूटेट क्विकली देन डीएनए वायरसेस. ठीक है. अनदर पॉइंट, म्यूटेशंस आर essential for evolution but should be slow. As in DNA, नहीं तो रोज ही कुछ नया आ जाएगा तो स्टेबिलिटी रहेगी नहीं ऑर्गेनिजम्स में. म्यूटेशंस हुई ऑर्गेनिजम्स मर गए, क्योंकि म्यूटेशंस बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो तो एकदम जो है म्यूटेशन यूजफुल नहीं होती है. बहुत सारी मैक्सिमम म्यूटेशन हार्मफुल है, धीरे धीरे यूज होता है उसका, धीरे धीरे स्टेबिलिटी में हेल्प करती है. तो अगर बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाएंगी तो फिर तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, राइट. एंड फोर्थ जो है, फोर्थ पॉइंट मैं इधर लिख देती हूँ, जेनेटिक मटीरियल का. जेनेटिक मटीरियल ये तो आपने पहले भी लिखा हुआ है, शुड एक्सप्रेस एज मेंडेलियन फैक्टर्स. ठीक है. तो इन सब चीजों को देख के ऐसे लगता है कि डीएनए जेल, पहले तो प्रोटीन्स का तो यही पे पत्ता खट गया कि प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल नहीं है. और इससे पहले ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ने भी बता दिया कि प्रोटीन्स कैन नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद आ जाता है कि क्या डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है. तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन, इसमें दोनों हो रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा. स्टेबिलिटी, डीएनए इज मोर स्टेबल. स्लो म्यूटेशन, म्यूटेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए बट स्लो म्यूटेशन ये डीएनए कर रहा है. एंड दे शुड एक्सप्रेस एज मेंडेलियन फैक्टर्स, वो भी डीएनए ही करता है. तो इन सब चीजों से पता चलता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, नॉट द आरएनए, राइट. तो लिखो ठीक है जी. ये तो हमने ये आपको बता दिया कि भी किससे जो है, अब यहां से क्या पता चलता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख लो. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर, या नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, पैराग्राफ करके लिख लो, जैसा मर्जी कर लो. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स.
आरएनए से प्रोटीन्स बनते ही है, वेयर एज डीएनए डिपेंड्स ऑन आरएनए, वेयर एज डीएनए डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। Thus, protein synthesizing machinery has evolved around RNA. This indicates that both RNA and DNA, can function as genetic material. But DNA being more stable, is the preferred genetic material. ठीक है, सबसे पहले बट अब और हम देखें कि एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आया, आरएनए आया। आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट कर रहा था, आरएनए एज एंजाइम कैटलिस्ट भी एक्ट कर रहा था, बट धीरे धीरे म्यूटेशंस हुई। ठीक है, कैटलिसिस का काम किसने ले लिया, प्रोटीन्स ने ले लिया, जेनेटिक मटेरियल का काम किसने ले लिया, डीएनए ने ले लिया, और आरएनए सिर्फ इन दोनों के बीच में एक यू कैन से कि मिडल मैन बनकर रह गया। पहले आरएनए सब कुछ था, जेनेटिक मटेरियल भी था, कैटलिस्ट भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी इवॉल्व्ड। फुल स्टॉप करके, it used to act as genetic material as well as catalyst or enzymes. पर क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट एक्ट करता था तो वो बहुत रिएक्टिव था, रिएक्टिव होगा तभी तो सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, फुल स्टॉप करके, बट आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज हाईली रिएक्टिव And thus unstable. है ना, आरएनए बेचारे स्टेबिलिटी ले नहीं पाया क्योंकि उसको कई काम करने पड़ते थे, जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट भी एक्ट कर रहा है, तो भाग दौड़ रहा था इधर से उधर, उधर से इधर। स्लोली ड्यू टू म्यूटेशन DNA has evolved from RNA. DNA has evolved from RNA due to some chemical modifications.
which makes it more stable, जो chemical modifications थी, which makes DNA more stable. क्या chemical modifications थी कि राइबोस की जगह डीऑक्सीराइबोस आ गया, यूरेसिल की जगह थायमिन आ गया. ये दो केमिकल मॉडिफिकेशंस थी. फुल स्टॉप करके फर्दर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड हैज इवॉल्व and has evolved a mechanism of repair and has evolved a mechanism of repair during replication. Replication जब होती है, अगर कुछ गलती हो जाए तो वो अपने आप को repair कर लेता है. Mechanism of repair during replication provides more stability to the DNA. ठीक है. और लास्ट पैराग्राफ में all these evidences, direct or indirect. Direct तो हो गई जो experimental है, indirect जो एक के बाद एक उससे inferences निकलते हैं. All these evidences, direct or indirect, proves that DNA is the genetic material. DNA is the genetic material. So this is for today. Next time, अच्छा एक नेक्स्ट टाइम हम करेंगे रेप्लिकेशन.